नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। ग्राउंड जीरो लाइव में होगी बारिश और बदहाली की कहानी। स्कूल में क्लास नहीं लग रही क्योंकि स्कूल तालाब बन गया है। हैरानी यह कि आसपास के लोग स्कूल कैंपस में मछलियां पकड़ रहे हैं। कहां से आई है ये तस्वीर आपको बताएंगे। बरसात में जर्जर स्कूल की हालत और खस्ता हाल हो रही है। शहर शहर बारिश के कहर की तस्वीर भी होश उड़ा देगी। घर समंदर बन गया, लोगों के लिए छत आसरा बन रहा है। एक और शहर में तो कॉलोनी में नाव चलाकर महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू करना पड़ा। बारिश दावों की पोल खोल रही है, वादों की हकीकत बयां कर रही है और सुना रही है लापरवाही की कहानी। और हमारे साथ धमतरी से संवाददाता अभिषेक पांडे, साथ ही आशीष जैन नरसिंहपुर से जुड़ गए। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार जमीनी हकीकत जो है वो क्यों ऐसी बन रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, क्यों स्कूल का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। सबसे पहले बात बारिश में बदहाल होते स्कूल की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। क्या स्कूल की छत से पानी टपक रहा है, क्या स्कूल का कैंपस तालाब बन गया है। धमतरी से महज 7 किलोमीटर दूर तेली नसत्ती गांव के स्कूल में पानी भरने से स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल में क्लास नहीं लग रही, हद तो तब हो गई जब स्कूल में लोग मछली पकड़ने लगे। यह हाल है धमतरी के स्कूल का। तो इधर जांजगीर चांपा के खोखसा स्कूल में बारिश बदहाल होते खोखसा स्कूल की तस्वीरें दिखा रही है। स्कूल जर्जर हो गया। सबसे पहले आपको जांजगीर चांपा के खोखसा स्कूल की हालत देखिए, जहां पर बच्चे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है। छत का जो सीलन है वो उसकी वजह से जो प्लास्टर है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। आफत में जान फंसी हुई है और ये कोई एक स्कूल की दास्तान नहीं है। ऐसे ना जाने कितने स्कूल होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बा इलाकों में, जहां पर जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। जो खाली मैदान है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। हद तो तब हो जाती है जब इलाके में लोग मछली पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए कि हालत कैसे होंगे कि बच्चों को पानी में डूब कर जाना पड़ता है स्कूल। यानी कि स्कूल भी यानी छत गिर रहा है और बाल बाल आज ही एक मैडम के ऊपर ही गिर गया और मुश्किल से बचा है। और यहाँ का खेल मैदान भी पानी से भरा हुआ है। बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको बनवाना तो है, बहुत मुश्किल हो रहा है। कपड़ा भीग जाता है और धोने में हम लोग को ना परेशानी होती है। बारिश वारिश होता है तो गीला कपड़ा को पहन के हम लोग को आना पड़ता है और छत टपकता है तो पुस्तक उस्तक गीली हो जाती है। ग्राम पंचायत खोखसा के मिडिल स्कूल में उपस्थित हैं। यहाँ की जर्जर भवन की स्थिति बताते हैं। प्लास्टर टूट रहे हैं, मैडम लोग टीचर लोग को दुर्घटना के शिकार होते होते बचे हैं। हम बात करते हैं यहाँ शिक्षिका से, जो कुछ ही पल पहले जो है प्लास्टर टूटा हुआ था और बाल बाल बचे हैं यहाँ पे। शिक्षक जी बताएंगे, ये जब प्लास्टर टूटा तो आप लोग किस तरह अपने आप को बचाए और ये जर्जर भवन में किस तरह बच्चों को भविष्य गढ़ने में आप लोग मजबूर हैं। अभी थोड़े देर पहले ही गिरा था, हम लोग आए तो, और रहते तो हमारे ऊपर गिर जाता है। थोड़े ही देर पहले ये हुआ है। बात है कि किसी की जान पर भी बना सकती थी। और ये अब आपको धमतरी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जो मैदान है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और ये स्कूल के पास की तस्वीर है और यहाँ पर लोग मछली पकड़ने के लिए आ जाते हैं। धमतरी में एक ऐसा स्कूल दिखा रहे हैं जहां पर मछली पकड़ी जा रही है। देखिए तेलीन सत्ती का ये प्राथमिक शाला है। भारी बारिश के चलते यहां पर पानी भरा हुआ है और इस बारिश के कारण आज स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। ताला लगा हुआ है और गांव के जो बच्चे हैं, दूसरे लड़के हैं, वो देखिए मछली पकड़ने में लगे हुए। जाल उन्होंने लगा रखा है और यहाँ पर इतना पानी भर गया है कि अब मछलियां भी यहाँ पर पकड़ी जा सकती हैं और यहाँ के बच्चे इसी काम में लगे। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अभिषेक पांडे धमतरी से जुड़ गए। अभिषेक, ये तो बहुत ही हास्यास्पद हो गया है कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि स्कूल में लोग, जहां शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चे खेलते या पढ़ाई करते हुए नजर आने चाहिए, वहां पर लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। इतनी बदहाल तस्वीरें। आज लगातार ये पांचवा दिन है जब बारिश रुक नहीं रही है, लगातार हो रही है और इससे नदी नाले तो उफान पर है ही। अब देख सकती हैं कि स्कूलों में पानी भर गया है, छुट्टी करनी पड़ रही है। जिला शिक्षा विभाग ने शाला विकास समितियों को, प्राचार्यों को ये अथॉरिटी देनी पड़ी है
कि आपके स्कूल में अगर हालात सही नहीं तो आप छुट्टी दे दीजिए, मध्याह्न भोजन ना बनवाएं। हालात जो जमीनी हालात है मेरे पीछे आप देखिए, ये इलाका पूरी तरह ऐसा लगता है कि हम किसी तालाब या झील के किनारे खड़े हैं, लेकिन ये समतल जगह है, खेत है, खाली प्लॉट है, पानी इतना ज्यादा गिर रहा है कि यह प्रशासन के भी बस के बाहर की बात है इसे कैसे ठीक किया जाए। एक ही उपाय है कि पानी रुकने का इंतजार, बारिश रुकने का इंतजार किया जाए, उसके बाद जो जल भराव है उसके अपने आप खत्म होने का इंतजार किया जाए। तब तक प्रशासन भी लाचार है और आम आदमी इससे काफी ज्यादा परेशान है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की स्थिति है वहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने कैसे जाते हैं, किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इस पानी निकासी के लिए क्या कोई व्यवस्था की बात की जा रही है स्कूल प्रशासन की तरफ से, जो प्रबंधन है उनकी तरफ से, ताकि शिक्षा सही तरीके से बच्चों को दी जा सके। जी, पानी निष्कासन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जस्ट की तरह हालात हैं और उसके हालात पर भी प्रकृति पर ही छोड़ दिया गया है कि पानी जब अपने आप उसका स्तर जल स्तर नीचे आएगा, नॉर्मल होगा, तब जाके कक्षाएं शुरू होंगी। तब तक स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षा बंद रहेंगी, बच्चे अपने घरों में रहेंगे, शिक्षक भी अपने घरों में रहेंगे। प्रशासन से आज हमारी जो कलेक्टर से जहां तक बात हुई है, उनका यह कहना था कि लगातार जो बारिश हो रही है और जिस ज्यादा पैमाने पर हो रही है उससे इस तरह के हालात से निपटा नहीं जा सकता। प्रशासन की तैयारी जो रहती है वो सामान्य वर्षा के लिए रहती है। यानी कि व्यवस्थाओं के रूप में यही है कि बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई है कि जब तक बारिश का पानी खुद नहीं निकल जाता है, व्यवस्थित नहीं हो जाता है सब कुछ, तब तक बच्चे घर में रहें। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बारिश ने दमोह में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। लगातार बारिश से कॉलोनी में नाव चलाकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सुभाष कॉलोनी में कई मकान डूबे तो मुक्सकी बाबा इलाके में नाव चलाकर महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया। अशोकनगर में मुंगावली ब्लॉक में 3 घंटे के अंदर 5 इंच बारिश हुई और इस बारिश के चलते कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया। नेशनल हाईवे 346 पर यातायात बंद है। लोग छतों पर बैठकर बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि छोटी छोटी गलियों के बीच से नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जब गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर जमा हो जाता है, और ये अशोकनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरा इलाका जलमग्न है। मानिए कि नदी के बीच में कोई कॉलोनी बना दी गई हो, पूरे इलाके में गंदा पानी भरा हुआ है और लोगों की कमर तक पानी पहुंचा हुआ है। नगर के पास में, और ये आप दमोह की तस्वीर देखिए, एक 4 पहिया वाहन जो कि पूरा आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है, और इस तरीके से ना जाने अलग अलग जगहों से कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ के लोग बाहर आते जाते हैं। और ये तस्वीर है दमोह की, जहां नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और यहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका, क्योंकि पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुश्किल हालात ऐसे हैं कि लोग अपने छत पर बैठकर बाहर देख रहे हैं कि कब पानी निकल जाएगा और वो निकल पाएंगे बाहर। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अशोकनगर, दमोह, नरसिंहपुर, जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में हैं और लोगों के घरों में पानी ऐसे भरा हुआ है मानिए पूरा स्विमिंग पूल हो। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता आशीष जुड़े हुए। आशीष, कैसे हालात हैं ये? ड्रेनेज सिस्टम की वो तमाम दावे जो नगर निगम प्रशासन करता है कि भाई हमने बेहतर कर दिया है, और हर बार जब बारिश होती है तो उसके पहले कई बार ये सवाल भी कहे जाते हैं कि क्या आपने इंतजाम कर लिए हैं, निर्देशित किया जाता है कलेक्टर की तरफ से, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं। ये जिस तरह से आपने अशोकनगर की तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह से आपने दमोह की तस्वीरें दिखाई हैं, नाव नदी से छोड़कर शहर में आ गई है। यदि मुगावली ब्लॉक की बात करें कि लोग अपने घरों को छोड़ के ऊपर छत पे बैठना पड़ रहा है, तो साफ समझा सकता है कि महज अभी औसत जो बारिश है पिछले समय से आधी भी नहीं हुई है और ऐसे हालात हो गए हैं कि आज बारिश ने सब पोल खोल के रख दिए पूरे सिस्टम की, तो समझा सकता है किस तरह से हालात बेकाबू हैं। यदि हम गोटेगांव की बात करते हैं तो श्रीधाम रेलवे स्टेशन से लगा हुआ जो ब्रिज है वो आधा डूब गया है, ऐसे में लोग कैसे यात्रा करेंगे? कई स्कूलों का, कई गाँव का संपर्क शहर से टूट गया है, कई बच्चे स्कूल
स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उमरिया से लेकर श्रीनगर की हम बात करते हैं तो वहाँ जो ब्रिज बन रहा था उसका जो अप्रोच रोड थी वो बह गई। लगभग 25 गांव है, 25 गांव के लोग अब शहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब बारिश ने थोड़ा सा असर दिखाया है तो उसका इफेक्ट जो हुआ है कितना जम के हुआ है। यदि हम नरसिंहपुर की बात करते हैं तो यहाँ के कई स्कूल भी जलमग्न हैं, कई स्कूलों की जो दीवारें हैं वो धस गई हैं। तो कुल मिला के ये समझा सकता है कि बारिश की तैयारी जो थी प्रशासनिक तौर पे कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल शून्य थी। ग्राउंड पे जो जीरो तस्वीर थी उससे भी आप बात करिएगा और पूछिएगा कैसी कैसी परेशानियां उनको उठानी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलेज आने वाली छात्रा भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। बारिश से जो आफत जो आई है किस तरह से परेशान करी, आप आगे आइए, क्या क्या परेशानी है, भारत का बारिश का साइड इफेक्ट क्या है आपके लिए? बारिश के इतनी ज़्यादा बारिश के चलते हमारे यहाँ के जो नली नदी नाले होते हैं वो पूरे इस तरीके से भर जाते हैं कि हम लोग को आने जाने में दिक्कत होने लगती है। किस गांव से आते हैं आप? हम कठौतिया से आते हैं, रोज करेली आते हैं काम के लिए, तो आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब अपन निकल नहीं सकते हैं, वाहन जो है बस गाड़ी चलना बंद हो जाते हैं, वहाँ से रोड से निकलना बंद हो जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, लाइट चली जाती है तो पढ़ने लिखने में भी प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। मतलब इसके लिए सरकार ने कोई ऐसा कुछ पहले से कोई प्लानिंग नहीं की कि अगर ऐसा होता, अगर प्लान होता उनका तो ये सब हम लोग को देखना नहीं पड़ता। इस वजह से हम लोग को आने जाने में सब चीज में प्रॉब्लम हो रही है। तो बिजली भी चली जाती है, बिल्डिंग की बात की तो बिल्डिंग भी खराब है, छप्पर गिर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्कूलों के, बच्चे बारिश में कैसे पढ़ पाएंगे, क्या कहेंगे आप, कितनी आफत की बारिश है ये आपके लिए? जी अचानक से बारिश, बहुत तेज बारिश आई है और दिन रात बारिश होती रही जिससे जल भराव हो गया। जैसे आप देख रहे हैं नदी की स्थिति है, नदियों की साफ सफाई नहीं होती जिसमें पानी छड़ा होता है, पानी का उससे पानी भर जाता है घरों में। नदी की साफ सफाई हो तो पानी की निकासी अच्छे से हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत कम रहे। क्या समझ में आया, आपने आज पेपर भी पढ़े होंगे कि बहुत कम बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश अभी नहीं है, मुश्किल से 24 घंटे में 55 mm बारिश हुई है नरसिंहपुर जिले में, और क्या खबरें आपकी नज़र में आई हैं? अभी ये कल से ही बारिश हुई है, पहले तो कम बारिश हुई, अभी कल से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इसमें देखने को मिल रहा है जिले में बहुत सी जगह पानी भरा है और आपके जैसे गोटे गांव का पुल का देखने में मिल रहा है कि पुल डूब गया। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, यानी कि तमाम ये अव्यवस्थाओं के चलते परेशानियां खड़ी हो रही हैं जिसका सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। आप अपनी लगातार बात जारी रखिए, बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए, और खासतौर पर जो स्कूल या कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राएं उनको काफी दिक्कतें हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।